गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, माई सेल्फ रश्मि सिंह, आई एम योर GK टीचर ऑफ क्लास 4th. सो चिल्ड्रन, यू आर ऑल वेलकम इन टूडेज क्लास. टूडेज आर टॉपिक इज द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम चैप्टर नंबर 23. ओके चिल्ड्रन, नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट आर बॉडी. आर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. हमारा जो शरीर होता है बच्चों, वो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना होता है. ऑल दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस लिव एंड कीप हेल्दी. और जितने भी सारे जो हमारे भाग होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, वो एक साथ जो है काम हमें जीवित रखने के लिए, साथ ही हमें हेल्दी रखने के लिए करते हैं. डू यू नो हु कंट्रोल ऑल दीज पार्ट? क्या बच्चों आप ये जानती हो कि इन सभी पार्ट्स को कंट्रोल कौन करता है? यस, इट इज़ द ब्रेन. कौन कंट्रोल करता है बच्चों? ब्रेन. लेट्स लर्न सम फैक्ट्स अबाउट आर बॉडी. चलिए हम अपने बॉडी के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानते हैं. फर्स्ट है हमारा स्केलेटन सिस्टम. सो इम्पॉर्टेंट लाइन इज द स्केलेटन सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. जो स्केलेटन सिस्टम होता है, एक तरह का फ्रेमवर्क होता है ना. एक तरीके से हमारे शरीर को क्या है, ये शेप देता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को. द प्लेस वेयर द बोन्स मीट आर कॉल्ड जॉइंट्स. बच्चों, जिस जगह पर हड्डियाँ मिलती हैं उसे हम जॉइंट्स कहते हैं. द मसल्स मूव द बोन्स एट दीज जॉइंट्स. और हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं बच्चों, इन जॉइंट्स से ही क्या करती हैं, वर्क करती हैं, है ना. मसल्स मूव करती हैं तो बोन्स भी क्या होती हैं, मूव करती हैं. और जहाँ पे हड्डियों की मिलने का प्लेस होता है बच्चों, उसे हम जॉइंट्स कहते हैं. व्हेन वी आर बॉर्न वी हैव मोर देन 300 बोन्स. क्या बच्चों आप जानती हो, जब हमारा जन्म होता है तब हमारे शरीर में 300 बोन्स से भी ज़्यादा बोन्स होती हैं. बट एज वी ग्रो अप टू बी एन अडल्ट, जैसे हम बड़े होने लगते हैं, वी हैव 206 बोन्स. तब हमारे शरीर में कितनी बोन्स रहती हैं, 206. यस, यानी कि जब छोटे होते हैं तब बोन्स की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बोन्स की जो संख्या है वो कम होती जाती है. और अडल्ट के शरीर में बोन्स कितने होते हैं, 206. डू द बोन्स डिसअपीयर? क्या ये हड्डियाँ गायब हो जाती हैं? नो नो, इट इज जस्ट द स्मॉलर बोन्स जॉइन टुगेदर टू मेक बिगर वंस. छोटी छोटी हड्डियाँ जो एक्चुअली में वो बड़ी हड्डियों का निर्माण करती हैं. द स्कल अ पार्ट ऑफ आर स्केलेटन. स्केलेटन जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, स्कल उसका एक भाग होता है. प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी इज द ब्रेन. हमारे जो शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है वो क्या होता है बच्चों, ब्रेन होता है. क्योंकि सारे पार्ट्स को ये कंट्रोल करता है. तो इस ब्रेन का काम क्या होता है बच्चों, डेट थिंग्स एंड रिमेंबर द थिंग्स. चीज़ों को याद करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, सब कुछ हम किसके द्वारा करते हैं बच्चों, ब्रेन्स के द्वारा. इट ऑल्सो कंट्रोल्स अदर पार्ट ऑफ आर बॉडी. और हमारे शरीर के कई दूसरे अंगों को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, उन पर अपना नियंत्रण रखता है. द ब्रेन हैज़ टू साइड्स. ब्रेन की भी कितनी साइड्स होती हैं बच्चों, टू साइड्स होती हैं. द राइट साइड ऑफ आर ब्रेन कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द लेफ्ट साइड. जो राइट साइड की जो ब्रेन का हिस्सा होता है, वो लेफ्ट साइड वाली एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं उनको कंट्रोल करता है. और लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होता है ब्रेन का, वो राइट साइड ऑफ जो बॉडी होती है उसको कंट्रोल करता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू शुड रिमेंबर इट. सो प्लीज़ नोट दिस मेन लाइन इन योर कॉपी. आर मसल्स हेल्प अस टू मेक आर बॉडी मूव. हमारे जो मसल्स होते हैं वो बॉडी के मूवमेंट के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं. फ्रॉम स्माइलिंग टू जंपिंग, है ना, मुस्कुराने से लेके कूदने तक. आर बॉडी हैज़ अबाउट 640 मसल्स. हमारे शरीर में कितने मसल्स होते हैं बच्चों, अबाउट 640 मसल्स होते हैं, 640. और जब हम, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैम पॉइंट, मेन मेन पॉइंट्स को बच्चों, जब हम छोटे होते हैं
हमारे शरीर में 300 से भी ज़्यादा बोन्स होती हैं। जैसे ही हम अडल्ट हो जाते हैं, बोन्स की जो संख्या होती है वो 206 हो जाती है, और हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं वो 640 होते हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वी विल लर्न फर्दर। द लॉन्गेस्ट बोन, हमारे शरीर की सबसे लंबी जो बोन होती है थाई बोन होती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स जो होते हैं वो जॉ मसल्स होते हैं। फनी बोन इज़ नॉट अ बोन, इट इज़ अ नर्व दैट रन्स जस्ट अंडर योर स्किन एट योर एल्बोज। सो चिल्ड्रन इन दिस नेक्स्ट पेज वी विल लर्न अबाउट आर हार्ट। आर हार्ट इज़ अ वेरी स्पेशल एंड पावरफुल मस्कुलर ऑर्गन इन आर बॉडी। हमारा जो हार्ट होता है बच्चों बहुत ही स्पेशल होता है और पावरफुल मस्कुलर ऑर्गन होता है ना, जैसे मसल्स होती है उससे बना हुआ होता है इन आर बॉडी, हमारे शरीर में होता है। इट पम्प्स ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, और ये क्या काम करता है बच्चों, ये ब्लड को पंपिंग का काम करता है ना, पूरे शरीर तक पंप करता है, पहुंचाता है। आर हार्ट इज पियर शेप, पियर इज़ अ नेम ऑफ फ्रूट। तो हमारा जो हार्ट होता है बच्चों वो पियर शेप का होता है, जैसा कि पियर फल होता है बिल्कुल उसी की आकृति का होता है। एंड इट इज़ एज बिग एज आर फीस्ट, और ये कितना बड़ा होता है बच्चों, हमारी मुट्ठी के जितना बड़ा होता है। पुट योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, बच्चों अपना हाथ कहाँ पे रखोगे आप, लेफ्ट साइड योर चेस्ट, अपने सीने के लेफ्ट साइड में। कैन यू फील योर हार्ट बीटिंग, क्या अभी आपने फील किया है कि आपका जो हार्ट है वो बीटिंग कर रहा है, यानी कि धड़क रहा है। ईच टाइम इट बीट्स, हर टाइम जब ये धड़कता है, इट पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी, तब क्या करता है ये पूरे शरीर में ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। आर ब्लड इज लाइक अ स्ट्रीम फ्लोइंग अराउंड आर बॉडी, हमारा जो ब्लड होता है एक स्ट्रीम की तरह होता है ना, बहता हुआ, जैसे स्ट्रीम होता है पानी का वैसे होता है, और पूरे जो बॉडी होती है वो इसमें जाता है। इट कैरीज नेसेसरी थिंग्स, जब ब्लड बहता हुआ पूरे शरीर में जाता है बच्चों तो ये बहुत सारी नेसेसरी चीज़ें अपने साथ लेके जाता है, जैसे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है बच्चों हमको, फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ, उस हवा से मिलती है जिसको हम सांस श्वसन क्रिया के दौरान अपने शरीर में अंदर लेते हैं। एंड द न्यूट्रिएंट्स फूड वी ईट, और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ब्लड के अंदर, जो भोजन हम खाते हैं वहाँ से हमको ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। द राइट हैंड साइड ऑफ आर हार्ट पम्प्स ब्लड टू आर लंग्स, जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है हमारे हार्ट का वो क्या है, ब्लड को कहाँ तक पहुँचाता है, लंग्स तक, टू गेट ऑक्सीजन, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है। वाइल जबकि द लेफ्ट हैंड साइड पम्प इट अराउंड द बॉडी, और लेफ्ट साइड का जो हिस्सा होता है पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। द एयर वी ब्रीथ इन, वो हवा जो सांस के द्वारा हम अंदर लेते हैं, पासिस इनटू टू लंग्स, वो दो हमारे जो लंग्स होते हैं बच्चों, फेफड़े जिन्हें हम बोलते हैं, उनसे होती हुई गुजरती है। द रिब केज अ पार्ट ऑफ स्केलेटन, रिब केज क्या होता है बच्चों, एक पिंजरे के समान होता है ना, और किससे बना हुआ होता है बच्चों, हमारे स्केलेटन सिस्टम से बना होता है, जो कंकाल तंत्र होता है। प्रोटेक्ट्स आर लंग्स, एक तरीके का पिंजरा होता है जो हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखता है, उस रिब केज के अंदर हमारे लंग्स होते हैं। द लंग्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पास इट ऑन टू द ब्लड, और जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, पास इट, और उस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं ब्लड में। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं, द लंग्स गिव आउट द यूज्ड एयर, तो लंग्स के थ्रू जो हवा हमने यूज़ कर चुके हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। नाउ चिल्ड्रन लुक हियर, द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबी ट्यूब के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, आर इंस्टेंटाइन, वो हमारी आंत होती है बच्चों। देयर आर
टू इंस्टेंटाइन्स इन आर बॉडी, हमारे शरीर में दो आंतें होती हैं कनेक्टेड टू स्टोमक, जो हमारे पेट से जुड़ी हुई रहती हैं, द लार्ज इंस्टेंटाइन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. द फूड वी ईट पासिस फ्रॉम आर स्टोमक, जो खाना होता है हम खाते हैं वो हमारे पेट तक पहुँचता है. टू द स्मॉल इंस्टेंटाइन, कहाँ तक पहुँचता है, छोटी आँख तक. वेयर इट इज डाइजेस्टेड, वहाँ पर इसका क्या हो जाता है बच्चों, पाचन किया जाता है ना, पचा लिया जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इन टू द लार्ज इंस्टेंटाइन, और जो बच्चों अनडाइजेस्ट फूड होता है जिसे पचाया नहीं जा सकता है, उस खाने को कहाँ तक पहुँचाया जाता है, लार्ज इंस्टेंटाइन मतलब बड़ी आँख तक. विच पास इट आउट ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर के द्वारा जो अपचनीय भोजन होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है. सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल लर्न अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट. डू यू नो सब इंसेक्ट्स हैव ब्लू और ग्रीन ब्लड, क्या बच्चों आप जानते हो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का ब्लड पाया जाता है. सो अपने ह्यूमन बॉडी में कैसे कलर का ब्लड होता है, नॉर्मली रेड रंग का होता है, लेकिन इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में ब्लू और ग्रीन कलर का ब्लड पाया जाता है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन वेरी वेल मैनर. सो दिस चैप्टर इज क्लोज्ड हियर. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट न्यू चैप्टर. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.